एक बार फिर मुमरा में मीम को करारा झटका लगा है। वो यूं कि मीम के कई सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एनसीपी का दामन थाम लिया है, जिससे कहीं ना कहीं मुमरा में मीम पर असर पड़ा है। इससे पहले भी शहर के कई जाने माने चेहरे, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, जो मीम में थे, एनसीपी में शामिल होकर मीम को झटका दे चुके हैं। वहीं एमआईएम नेताओं का कहना है कि जो लोग भी मीम छोड़कर गए हैं, उनके जाने से एमआईएम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि मीम पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान, जिन्हें संगठन को मजबूत करने में काफ़ी महारत हासिल है, वो इस तरह युवाओं को अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करते हैं कि जैसे चंदन का पेड़ सबको को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए डालियों से चिमटा लेता है। आज यही वजह है कि लोग धीरे धीरे आमदार जितेंद्र मंत्री जी फरमाते हैं कि भाई मैं हमारी हुकूमत आएगी हम ट्रांटो को वापस कर देंगे, मगर वापस हो गया नहीं उन्होंने। अवार्ड के विकास कार्यों से आकर्षित होकर शमीम खान के सहयोग से एनसीपी में बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं। खबर ये भी है कि कई दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी अवार्ड के बंगले पर जाकर के एनसीपी का दामन थामा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न हो रहा है, लोगों को जो है सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि आने वाला जो चुनाव है मुमरा शहर में, वो काफ़ी दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं एक बार फिर एनसीपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और इसके उम्मीदवार जीतेंगे। वो इसलिए कि इस मुमरा शहर में एनसीपी के अलावा कोई भी पार्टी मजबूती के साथ सक्रिय नहीं है कि जिससे उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए और वो कामयाब हो सके। हालांकि मीम जो नेता हैं, चाहे सैफ पठान हो या पोल खोल नेता जावेद सिद्दीकी हो, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी शिकस्त देने के लिए मैदान में उतरेंगे, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं होगी, इसलिए कि एनसीपी इस वक्त सत्ता में है, पावर है, हर तरह से वो मुमरा कौसा में मजबूत है, उनके कार्यकर्ता सक्रिय हैं, पदाधिकारी काफ़ी मजबूत हैं, काम कर रहे हैं। इन्होंने इतने ढेर सारे वायदे कर लिए हैं, इनको खुद को नहीं मालूम कि मैंने क्या क्या वायदे किए, जिसका फ़ायदा एनसीपी को हर हाल में मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनसीपी ही पूरी तरीके से चुनाव में हर वार्ड में अपना कब्जा जमाएगी, दूसरी भी पार्टियां सक्रिय होंगी, हर तरह से जितना भी उनके में दम होगा वो लड़ेंगी और शिकस्त भी कई वार्डों में एनसीपी को मिल सकता है। मैं सुल्तान रिज़वी, मुझे ड्रग्स दो, मेरे शहर की जनता आज भी मेम खान जैसी शख्सियत पर भरोसा करते हैं। आज हम उन्हीं से बात करने वाले हैं कि शहर का जो विकास हो रहा है वो किस तरीके से विकास हो रहा है, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप पूरे मुंबई के विकास की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि विकास भाई तो चले गए और चाय की दुकानें एनसीपी वालों के हवाले करके गए। क्या है जो ये झूठा आश्वासन है 2009 से दे रहे हैं? आपने देखा होगा जब इलेक्शन आता है चार साल साढ़े चार साल ये लोग मदद करते हैं, तो सिर्फ 6 महीने में ये अपना विकास बताते और विकास बताने में इनके दम नहीं है, विकास कुछ करते नहीं। इन्होंने इतने ढेर सारे वायदे कर लिए हैं कि इनको खुद को नहीं मालूम कि मैंने क्या क्या वायदे किए। हैंगिंग मार्केट किधर है, मार्केट किधर है, गर्ल हॉस्टल किधर है, हज हाउस किधर है, पानी की योजना किधर है, ये सारी योजनाएं ये हम लोगों ने सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बनाया था। जो नए लोग हैं अगर उनको ऐसा लगा होगा कि ये एनसीपी के नेता ने बनाया तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये रोड हम लोगों के टाइम की बनी हुई, आज ये रोड को वो मेंटेन नहीं कर सके। खाली क्या नेता भागम दौड़ी करते हैं, आगे खाली आपके कैमरों के सामने आते हैं, बड़ी बड़ी आश्वासन बातें करते हैं और ये बताते हैं कि हमने बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर आज भी सारी तकलीफ परेशानी है, आज भी ट्रांटो को लेकर आ गए, इन्होंने बोला हमारी लाश कैसे जाना, अब बोलते हैं हम क्या मर जाए क्या, तो बोला क्यों भाई अगर तुम्हारे तुम्हारे को तुमने बोला क्यों, फिर हम आंदोलन भी कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अगर वो कंपनी को मुमरा में आना है तो हम लोगों की लाश को उनको खुद काम करना है। आज ट्रांटो का ये हाल है कि एमएसबी में जो लाइटें जाती थी आज ट्रांटो उसे 2 घंटा आगे बंद करता है, यानी 2 घंटा 3 घंटा लाइट बंद होती है तो ये 6 घंटा 8-8 घंटा लाइट बंद करती है। बिलों का हाल आप सब जानते हैं क्या है,
मंत्री जी फरमाते हैं कि भाई मैं हमारी हुकूमत आएगी हम ट्रांटो को वापस कर देंगे, मगर वापस हो गया नहीं उन्होंने। मैं एक पत्रकार का पत्रकार की एक न्यूज देख रहा था, उसने तो यात्रा का आरोप कर दिया कि इनका 6 पैसे यूनिट जो है वो इनको कमीशन है, इनका 40 लाख रुपया महीने का मंत्री जी का इनकम है, वो इनकम उसने बेचारे ने बताया जागृत करी तो पत्रकार किधर गया यही समझ में नहीं आ रहा। तो ये इनका विकास, यानी जो इनके खिलाफ अगर मुंह खुलता है तो गायब ही हो जाता है, और किधर गायब होता है ये नहीं मालूम, वो ढूंढना पड़ेगा। स्टैंड और फॉर्म है और हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। अभी उन्हीं का एक इंटरव्यू देख रहा था आज। मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस शहर में चलने के लिए रास्ते नहीं थे उस शहर में दिसंबर 2018 तक पूरा शहर कॉन्क्रीट का हो जाएगा, पूरा शहर। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप रेती बंदर से निकलो और जाओ भारत गियर तक, एक तौसा मस्जिद का पट्टा छोड़ा 30 मीटर का तो उसको एक भी खड्डा नजर नहीं आएगा। जाओ शहर में घूमो, हमारे पूरा शहर खड्डों से भरा हुआ है तो उसको एक भी खड्डा नजर नहीं आएगा, तो एक भी खड्डा। समीम भाई को जो है जान देने की ज्यादा फिक्र रखती है, तो क्यों नहीं वो जान दे देते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहें? क्या आप चाहते हो, मतलब कि मैं जाकर के सुसाइड कर लूं? क्या उन्होंने ये कहा कि मैंने कह दिया था कि मैं मर जाऊं? तो बोलो नहीं ना, अगर तुम्हारे में दम नहीं है तो बोलो नहीं, तो यूपी चले जाओ, वहां पर ज्यादा मारमारी हो रही है, योगी साहब के खिलाफ तुम बात खड़े रहो तो कम से कम यूपी वाले तुम्हारे को दिया दुआ देंगे। तुम यहाँ डुप्लीकेट के बात करते रहे, तो आज मैं बस स्टॉप नहीं बनाया, अपने रिक्शा स्टैंड नहीं बनाया, अब कितने सारे काम गिनाऊं? जब इलेक्शन लगेगा मेरे पास पूरी धड़ी है, इनके पोल मैं खोलूंगा, आप देखते रह जाओ। खान साहब मेरा एक लास्ट सवाल है, जैसे कि उन्हीं की पार्टी का एक युवा नेता ने आज गड्ढों को लेकर आवाज उठाई, तो आप युवाओं को क्या संदेश दोगे? मैं तो युवाओं को ये, इसकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि इसने ये बात कही, मैं तो इतने ही कहूंगा युवाओं को कि इलेक्शन आएगा उस टाइम आप लोग अपने गांधी जी से जेब मत भरो, आप लोग अच्छे होकर शांत हो और विकास मुमरे के विकास के लिए बढ़ चढ़ के चलो। हमारी बात हो रही थी शहर की जानी मानी शख्सियत नईम नजीर खान से, जो यहाँ के सबसे सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उन्होंने जो है यहाँ के विकास के बारे में ये कहना चाहा है, उसको मैं शेर में कहना चाहता हूँ। झूठे वादों और दिलासों संकल्पों के जादू से हर चुनाव में हर शहर ये लुटता और बिखरता है। दर्शकों, ये शहर पूरी तरीके से लूटा जा रहा है, बिखेरा जा रहा है, सिर्फ भ्रष्ट लोग अपना जेब भर रहे हैं, अपना जमीर मत बेचो। मैं आपके सामने सिर्फ यही बोलूंगा, सारे पत्रकार जितने भी खड़े हुए अंग्रेजों को भगाने के लिए, 4 पत्रकारों ने पूरे अंग्रेजों को भगा दिया, हम लोग 10-20 मिलकर ये चोरों को भगाएंगे इंशाअल्लाह। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं आपका दोस्त भी है, इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।